क्योंकि आप रेडीमेड प्रोड्यूस करती हैं, आपका तो बहुत बड़ा सेटअप होगा. तो हाउ डू यू थिंक, आई मीन दिस इज समथिंग दैट हमने पहले भी बात की, इससे पहले आप लोगों से पहले फैज़ समी और सफी नाज यहाँ पे थे और बात हो रही थी कि किस तरह से ब्राइडल आउटफिट बदल चुका है और एक तरीके से बिल्कुल नहीं बदला, जैसे फैज़ ने कहा कि एक बहुत एक ट्रेडिशनल, क्योंकि मेरा ख्याल है कि शादी के रोज़ हर लड़की एक मुगल प्रिंसेस बनना चाहती है, तो वो जो पूरा फर्शी गरारा या पिशवास या वो 3.5 गज का दुपट्टा या हैदराबादी जो बनता है खड़ा दुपट्टा, वो एक फैंटेसी एक हो जाती है. जिस तरह वेस्टर्न ब्राइडल में अक्सर कहा जाता है कि वो सिंड्रेला की तरह या वो कोई प्रिंसेस की तरह होता है, फेरी टेल वेडिंग्स की बात होती है. तो आप लोग के नज़रिए में एक तो सफीना से बड़ी अच्छी बात की कि जनरली शादी के रोज एक ट्रेडिशनल ब्राइडल होता है जो कि उसमें अपने सारे दिल की मुरादें पूरी होती है, खासतौर पे सास की और यू नो उस टाइप ऑफ द फैमिली की, और फिर जो वलीमा का एक जोड़ा होता है उसमें फिर उनकी अपनी दिल की मुराद होती है, वो डायमंड्स पहनते हैं, वो पेस्टल ब्राइडल होता है, मॉडर्न होता है, फिश टेल वगैरह. आप लोग के एक्सपीरियंस में जनरल ट्रेंड आजकल किस चीज का ज्यादा ट्रेंड है? आयशा आपसे मैं शुरू करूंगा. ठीक है, जिस वक्त मैंने शुरू किया बहुत ट्रेडिशनल गारमेंट से शुरू किए थे. वो क्या थे? गरारा मैंने बहुत कम किया पर्सनली. जो मेरे पास डिमांड आती है वो ज्यादातर फर्शी शरारों में आती है. अच्छा, शुरू में जो मैंने किया वो बहुत ज्यादा टिपिकल ब्राइडल ही स्टाइल में थे, फिर विद इन 2 ईयर्स उसको मैंने बिल्कुल फ्यूजन में कर दिया. अब भी मेरे पास जितना भी ब्राइडल स्टफ मौजूद है वो सारा फ्यूजन कट में है. ईस्ट एंड वेस्ट फ्यूजन है कि उसके कॉम्बिनेशन या तो इतने रिच एंड एथनिक है लेकिन कट वाइज एंड काम वाइज, लेकिन कट भी टोटली मॉडर्न नहीं है कि बहुत ज्यादा, लेकिन काम को भी मैंने इनफैक्ट ये कि बहुत ज्यादा फ्यूजन स्टाइल में रखा कि जो ट्रेडिशनल हमारे टांके हैं उसके साथ हम जो है बिल्कुल लेटेस्ट उस टांके. कारीगर का हाथ है, डेफिनेटली कारीगर का हाथ है. अक्सर कहा जाता है कि डिजाइनर को सारा कर, और मैं खुद एक डिजाइनर हूँ तो मेरे साथ मेरे कारीगर अक्सर सुबह लड़ते हैं कि सर जी सब कहते हैं कि आप बड़ा अच्छा काम करते हैं, हमें तो कोई कुछ नहीं कहता. तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि आपकी वजह से. एग्जैक्टली. तो आप लोगों के दोनों के एक्सपीरियंस में आपके काम में कितनी चीनी कारीगर डालता है? मैं ये समझती हूँ कि एक मास्टरमाइंड होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट उसके जहन से निकल कर आ रहा है और फिर आप उसको टेबल के ऊपर लेकर आ रहे हैं, और फिर जरूरी नहीं है कि मे बी पॉसिबल मेरे जहन में कलर पैलेट डिफरेंट बना हुआ है, लेकिन जब मैं उसको अपने डायर के पास लेके जा रही हूँ, जब वो मुझे एक परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन बना के दे रहा है, तो 19 और 20 का फर्क आता है हमेशा. ये हार्पर कर दो, क्रेडिट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, 99% मैं क्रेडिट दूंगी, क्योंकि ये मतलब मैं अगर डिजाइनर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही सब कुछ हूँ. ऑब्वियसली मैं, मेरा जो पूरा सेटअप चल रहा है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, वो मेरे पूरी जो पीछे एक टीम है उसकी वजह से आज मैं यहाँ इतना स्ट्रांगली खड़ी हुई हूँ. अगर उनका मुझे इतना बैक सपोर्ट नहीं होता तो डेफिनेटली मैं भी शायद सो कॉल किसी एक डिजाइनर की तरह गायब हो गई होती, कुछ अरसे शॉप में काम करती है, खत्म हो जाती है. क्योंकि एक बहुत बड़ी डिबेट यहाँ पे चलती है कि जो जो आम फैशन की बात करते हैं, जो पेट की बात करते हैं, उसमें कारीगरी का इतना, जैसे जरदोजों की बात करें या आरी वालों की बात करें, क्योंकि बहुत सारे डिजाइनर्स सिंपल फैब्रिक लेके एक कट के ऊपर टेलर्स के साथ बैठ के करते हैं, उसमें कारीगर का हाथ होता है क्योंकि कढ़ाई चावल उसमें बिल्कुल. ब्राइडल में जो कहते हैं 90% तो कारीगर होता है. बिल्कुल नहीं, अब तो जो बात होती है, जब अब जैसे मरोड़ी की जब बात हम अक्सर करते हैं, फैज़ और बंटू के अलावा बहुत कम लोग मरोड़ी का काम करवाते हैं क्योंकि कारीगर इतने कम रह गए और वो इतना मुश्किल टांका है कि कारीगर की नज़र रह जाती है उसको करते करते. और अक्सर जो कारीगर जिनके हाथ में नफास, तो वैसे तो मरोड़ी सब करते हैं, आप लालू खेत से मरोड़ी करवा सकते हैं, लेकिन जो नफीस जो डेढ़ टांके की मरोड़ी होती है वो इतना फाइन है कि उसके लिए कारीगर बहुत महदूद है. अच्छा, एक और बात भी रिजवान, मैं कहूँगी कि ये तो बात हम ट्रेडिशनल टांकों की कर रहे हैं, मरोड़ी जो है बहुत ट्रेडिशनल टांका है, जो इन्होंने वसली का टांका और ये सब कहा. आप के ब्राइडल्स में बहुत ज़्यादा देखती हूँ और आपके ब्राइडल्स जो है वो बहुत डिफरेंट है और बहुत मॉडर्न ट्विस्ट के साथ है. ना सिर्फ आपका काम, बल्कि आप जो कभी किसी ब्राइड को वेल दे रहे हैं, कभी किसी को स्कर्ट दे रहे हैं शर्ट के साथ बना के, और डायमंडीज का काम है, और मतलब यू डू लॉट ऑफ वेरिएशन इन ब्राइडल्स एंड यू डू गेट लॉट ऑफ ब्राइड्स फ्रॉम अब्रॉड आल्सो. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस दैट आल्सो देयर आर अदर पीपल हु आर नॉट ऑन द शो हु आई वुड रियली लाइक फॉर हिम टू बी वुड बी उमर सईद. I mean, Umar Saeed is one of the big names in bridal wear. Umar Saeed has done very beautiful clothes. Umar Saeed को एक credit जाता है वैसे, बिल्कुल हम उसको बिल्कुल. I think it's very important to mention. Umar Saeed ने bridals में से shine का concept हटाया. पहले ब्राइडल का मतलब होता था ब्लिंग ब्लिंग. एग्जैक्टली. और उमर ने ऐसे ब्राइडल्स किए कि जो सिर्फ रेशम का काम है, और क्या फैसिनेटिंग वो ब्राइडल्स है, और उसमें थोड़ा बहुत डायमंडीज कहीं हेयर एंड देयर है, बट सेल्फ कलर पे उसने एक जोड़ा बनाया था मरून में
जिसमें सिर्फ उसमें मोती और रेशम इस्तेमाल। आई नो, और एक जोड़ा पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, बुशरा अंसारी की बेटी नरीमान का एक जोड़ा था विच हैड एब्सोल्युटली नो चमक इन इट एंड इट वाज डन इन रेशम एंड सेल्फ कलर बीड और सीक्वेंस थे जो भी था शिफॉन पे था और जिस कलर का जोड़ा था उसी कलर का काम था। आपके पास जो आम लोग आते हैं वो तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो बगैर चमक के कुछ। मगर एक बात नहीं जो मैं कहना चाह रही हूँ कि आप मतलब एक बहुत मजे की बात ये है कि चमक जो आयशा करती है वो बिल्कुल फर्क है, जो ये करती है वो बिल्कुल फर्क है, जो फायजा करती है बिल्कुल फर्क है, जो सना सफीनाज करती है बिल्कुल फर्क, जो आप करते हैं बिल्कुल फर्क है। मतलब मेरा ख्याल से उससे बहुत ताल्लुक। एक हमें एंड करना है शो पे, हम आ गए जल्दी से सवाल का जवाब आप दोनों दे रहे कि उससे बहुत ज्यादा ताल्लुक जो स्टाइल्स अब आजकल के ब्राइडल्स में इंट्रोड्यूस हो गए वो इतने क्लासिकल रहे नहीं है कि उसको आप पास ऑन करें। जैसे इन्होंने कहा कि गरारा करती नहीं है और मुझे नहीं पता आप गरारा करते हैं या नहीं, यू नो गरारे या वो पुराने फैब्रिक वो पुरानी चीजें आप पास ऑन करते थे और उनकी अपील बरकरार रहती थी। मगर अगर आप आजकल के जमाने के फिश लहंगे करेंगे तो वो कहाँ पास ऑन करेंगे। That's another debate for another program. Thank you very much for coming on our show, Aisha, बहुत शुक्रिया आपको। I wish you every success in your new business. Thanks a lot. Thanks it was very nice to meet you and it was wonderful to hear your views on fashion. अगले प्रोग्राम में जब डिबेट इसके ऊपर होगी अबाउट द मॉडर्न ब्राइडल एंड यू नो वेयरिंग एलुम जोड़ास, उसमें हम आपको जरूर बुलाएंगे। नाज़िम बहुत शुक्रिया, आपने बैठ के हमारी बातें सुनी, हमारे मेहमानों की बातें सुनी। तमीना खालिद की तरफ से, मेरी तरफ से आप लोगों को खुदा हाफिज़। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फैशन लाउंज में फिर मिलेंगे विद अनदर टॉपिक, अनदर प्रोग्राम एंड फॉर अदर गेस्ट। खुदा हाफिज़।